नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हल्का सिंह। ईरान के बहादुर लड़की महसा अमीनी ईरान सरकार की तानाशाही कानून का विरोध करते हुए शहीद हो गई। शहीद शब्द का जिक्र यहाँ इसलिए क्योंकि वो दुनिया के आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही थी। वो महिलाओं को पर्दे के पीछे ढकने वालों के सामने महिलाओं के अधिकार के लिए खड़ी रही और पुलिस की बर्बरता की वजह से अपनी जान गंवा बैठी। लेकिन महसा की मौत के बाद न सिर्फ ईरान की महिलाएं विरोध कर रही हैं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में महिलाएँ हिजाब कानून का विरोध कर रही हैं। और अब इसी कड़ी में नया नाम जुड़ गया है, सऊदी अरब की लेखिका इंसाफ हैदर का। इंसाफ हैदर ने हिजाब का विरोध करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट से वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में इंसाफ हैदरी हिजाब से अपनी जूती साफ करती नजर आ रही हैं। इंसाफ अपने सर पर रखे काले रंग के हिजाब को उतारती हैं, फिर उससे अपनी जूती साफ करती हैं और उसके बाद हिजाब को एक साइड में फेंक देती हैं। इस वीडियो के साथ इंसाफ ने महसा अमीनी के सपोर्ट में ट्वीट करते हुए लिखा, मेरी बहन महसा अमीनी जिसे मारा गया, उन तमाम महिलाओं के साथ हूँ जो हिजाब के बंधन से मुक्त होना चाहती हैं। आपको बता दें, ईरान में महिलाओं का हिजाब पहनना अनिवार्य है। अगर वो हिजाब नहीं पहनती हैं तो ईरानी कानून के हिसाब से उन्हें फाइन भरना पड़ सकता है और तो और उन्हें जेल भी हो सकती है। लेकिन ईरान की महिलाएं अब खुद को इस कानून से आजाद करना चाहती हैं, इसलिए वो हिजाब उतारकर सड़कों पर विरोध जता रही हैं और ईरान सरकार के इस कानून का विरोध करते हुए महसा अमीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। और अब महसा की मौत के बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में महिलाएं इस कानून का विरोध करते हुए अपना वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही हैं, जिनमें इंसाफ हैदरी का नाम भी शामिल हो चुका है। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।